अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजे कलेक्शंस। मैं कबूतर पलटाने लगा था अपना, तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। ये मेरा बड़ा दस कबूतर है, तलखी महसूस कर रहा था उड़ने में, कम टाइम कम कर रहा था। कबूतर पलटा रहा था, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लो। पलटाने के लिए आपको ऐसी टीका चाहिए, कबूतर के हिसाब से जितनी बॉडी कबूतर की हो उसके हिसाब से पानी देके पलटाएं। छोटे कबूतर को आप ज़्यादा नहीं दे सकते, बड़े कबूतर को थोड़ा पानी देके पलटाने का फ़ायदा नहीं है। तो अपने कबूतर के हिसाब से देख लें जो उसका साइज़ है। मैं इसको 30 cc पानी दे रहा हूँ पलटाने के लिए, ठीक है। ये मैं हूँ अकेला, ये मैंने इसको पानी दे दिया है। 5 मिनट के लिए इसको खुडे के अंदर आप छोड़ दें, 5 मिनट के लिए खुडे के अंदर छोड़ दें, उसके बाद इसको पलटा लें। ये पानी भर गया इसके अंदर, मैंने कबूतर को 5 मिनट के लिए खुडे में छोड़ा है। तब तक आप ये कबूतर देख लें, ये एक पकड़ा हुआ कबूतर है। पता कर रहा हूँ लेकिन अभी तक बंदे का पता नहीं चला, जिसको दिखाया है उनका है नहीं, वो कहते थे हमने कलर चेंज कर लिया। ये स्लेटी है, कबूतर को चोंच पकड़ेंगे, थोड़ी सी खोल लें, चोंच खोल के थोड़ी सी पकड़ लें, टांग पे हल्का सा रखें अगर आप खेलें तो। इसका मुंह नीचे करें, ये सारा पानी देख लें आप निकल रहा है। ये थोड़ा सा हल्का हल्का प्रेस करें, हल्का सा प्रेस करें, सारा पानी निकल रहा। प्रेस करते जाएंगे और सही गर्म पानी निकल रहा है। ये याद रखें जब भी दें पानी नॉर्मल टेम्परेचर हो पानी का। हल्का हल्का थोड़ा सा शिफ्ट करें, जोर की नहीं दबाना। ये तरीका है, नॉर्मल पानी हो, जितना मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी का टेम्परेचर होता है वैसा पानी हो, कबूतर को दे दें। ये आपके सामने बहुत वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको और वीडियो मिल सके। वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को सपोर्ट करने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।